इंस्पेक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड्स और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंस्पेक्शन के बारे में काफी चीजें कवर करेंगे और न्यूटन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे आपको जो लॉज ऑफ मोशन के हमारे पास है। और आगे शुरू करते हैं हम। लॉज ऑफ मोशन करेंगे। लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन चलिए हम बात करते हैं सीधे फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। जो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ में हमको एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, जो मुझे पी पता है वो एम वी होता है। अब हम यहाँ पर जनरल बात करें, इसको यहाँ पर रखें और d बाय डी टी ऑफ एम वी करें, तो f हमारे पास m डी वी बाय डी टी प्लस वी डी एम बाय डी टी, ये हमारे पास आ जाता है जनरल फॉर्म में। और इसको हम f इक्वल टू एम ए हमेशा नहीं लिख सकते, f इक्वल टू एम एम इसमें तब लिख सकते हैं जब ये टर्म जीरो हो। फॉर ए सिस्टम हैविंग कॉन्स्टेंट मास हो, मतलब डी एम बाई डी टी जीरो होगा, तो ये हमारा फोर्स जो है सीधे एम डी वी बाय डी टी के बराबर हो जाएगा, जिसको हम एफ इक्वल टू एम ए बोल सकते हैं। कॉन्स्टेंट मास, अगर मास हमारा वेरिएबल है तो हम इस टर्म को जीरो के बराबर नहीं करते, ये जो टर्म लिखा हुआ है, और पूरा टर्म लिखेंगे। हम आपको वेरिएबल मास के लिए भी रॉकेट प्रोपोर्शन के बारे में भी बताएंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। मानो में कि F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी होता है, या हम डी पी को लिखना चाहें तो F डी टी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मतलब F वर्सेस T ग्राफ अगर हम बनाए ऐसे करके, तो इसका अगर हम एरिया निकालें डी टी टाइम के लिए, तो हमारे पास F डी टी आ गया। अगर हम पूरा एरिया निकालना चाहें तो ये F डी टी, और अगर ये तब है जब F वेरिएबल है और F अगर कॉन्स्टेंट है, तो हम सीधे सीधे एफ इंटू डेल्टा टी करेंगे। इम्पल्स देता है ये एरिया हमको, इम्पल्स इसका एफ वर्सेस टी ग्राफ का एरिया इम्पल्स देगा, और इम्पल्स हमारा होता है इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम को। जैसे हम इसको कुछ बात कर लेते हैं, ध्यान से देखें इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब जैसे मैंने बोला एक बॉल आई यहाँ से, आई टकराई ये थीटा, और टकराने के बाद ये इधर चली गई वी से आई, ये थीटा, ये भी थीटा थीटा थीटा, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें तो हमारा मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ है, वाई डायरेक्शन में वही वेलोसिटी रहेगी। तो अगर हम चेंज इन, तो हमारे पास टू एम वी कॉस थीटा, ये डेल्टा पी आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। इसी में अगर हम कुछ और बातें आपको बताएं तो हम देख सकते हैं कि जो है अगर मान लें एक वॉल है और वॉल पे ऐसे एक पाइप है, एरिया ए है, यहाँ से वाटर जेट आ रहा है और वाटर जेट दीवार से टकरा कर ऐसे जैसे चला जा रहा है, ये वाटर जेट है, वाटर जेट डेंसिटी रो है, वेलोसिटी से आ रहा है वाटर जेट, तो वाटर जेट जो दीवार पर फोर्स लगाने वाला है वो दीवार पे लगने वाला फोर्स रो ए वी स्क्वायर होता है। अगर हम वाटर जेट को थोड़ा ऐसे रख दें इस तरह से, और अब वाटर आए और टकराने के बाद
जैसे वापस वाटर जेट, फिर से वाटर जेट है, वाटर जेट। तो अब हम अगर निकालें यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, तो ये 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालें, ये एंगल थीटा होगा। ये वाटर जेट से दीवार में जाता है फोर्स है, यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें इसकी, थोड़ी सी थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में थोड़ी बात करने, कैसे नॉर्मलाइजेशन लगता है उसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में नॉर्मलाइजेशन बनाने का तरीका देखें। अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसे वॉल है, कैसे नॉर्मलाइजेशन अगर केस में लगती है, एक लैडर ऐसे रखी है तो एक नॉर्मलाइजेशन N1 होगी, एक नॉर्मलाइजेशन N2 होगी। अगर यही कुछ वॉल हमारी ऐसे हो जाए और हमारे पास जो लैडर है वो लैडर ऐसे हो जाए, ये N1, ये N2, नॉर्मल रिएक्शन हो गई हमारे पास, वॉल है ये। ये चीज़ अगर हम बात करें ऐसे, तो एक नॉर्मल रिएक्शन N1 की हो गई, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से होगी, वो हमेशा सेंटर से पास होगी, ये भी सेंटर से पास होगी, ये N1 हो गई, ये N2 हो गई। तो नॉर्मल रिएक्शन का ख्याल रखना है अपने को, क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, लैमिंग थ्योरम की बात करते हैं। लैमिंग थ्योरम में हमारे पास 3 कॉन्करेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल और इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो हमने 3 पार्टिकल, 3 फोर्स हमने ऐसे बना लिए, देखते हैं आर पी क्यू अल्फा बीटा गामा। तो हम लिख सकते हैं पी के सामने का एंगल देखिए गामा, तो पी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा, तो इम्पोर्टेंट है, इज इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फा। इस तरह से हम लैमिंग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात आती है लैमिंग थ्योरम से रिलेटेड, कुछ हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने ये बोला, यहाँ पर हमने एक मास लटकाया 300 न्यूटन है, ये मैंने T1 मान लिया, ये T2 मान लिया, ये T3 मान लिया, ये एंगल हमको 37 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, और ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। तो हम कैसे लिखेंगे, ये एंगल 90 हो जाएगा, तो T1 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T2 अपॉन, अब ध्यान से देखें तो ये भी 37 हो जाएगा और ये 90 होगा, तो T2 अपॉन दिस एंगल होगा T2 अपॉन साइन 90 प्लस 37। और T3 को अगर हम देखेंगे तो T3 के सामने ये एंगल होगा, अब ये एंगल देखा जाए हमको तो ये एंगल भी हमको मिल सकता है, यहाँ से ये एंगल हमको देखना पड़ेगा, ये 180 है पूरा और ये 37 चला जाएगा, तो 180 माइनस 37 कर लेंगे, 180 माइनस 37 हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए और इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा लॉज ऑफ मोशन से, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है, एक क्यूब है, क्यूब को जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वी वेलोसिटी 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप है। मतलब अगर तो अब यहाँ से पूछा गया है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है, टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्फीयर, टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द क्यूब पूछा है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसका एक्सेलरेशन निकालें तो ये dv/dt होगा, जो कि 5i कैप प्लस 2j कैप होगा। और अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस बॉल की एक बीटी बनाए तो बॉल पे देखो, एक तो बॉल का फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ny लग रही होगी, और इस साइड से एक नॉर्मल रिएक्शन हमको इस साइड लग रही होगी, nx लग रही होगी। अब अगर हम इसकी bd बनाए और ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और वो हमारे पास कितना है 5i प्लस 2j कैप। अगर हम इसकी bd बनाना चाहें
तो हमको nx, अगर हम nx लिखना चाहें तो इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कितना 5 और बॉडी का मास 2 kg है, तो हम nx इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 2 जो यहाँ से 10 आएगा, 10 न्यूटन। आप ध्यान से देखें 10 न्यूटन आएगा। अगर मुझे ny के बारे में लिखने को दिया जाए तो हम देखें इसका एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ऊपर की तरफ एक्सप्रेशन है प्लस जे कैप में, तो देखो ये तो क्या लिखेंगे ग्राउंड फ्रेम से, ny माइनस mg इक्वल टू m इंटू a, तो ny इज इक्वल टू हो जाएगा mg, mg उधर चला जाएगा तो ये 2 इंटू 10 हो जाएगा प्लस m हो जाएगा 2 इंटू a, तो यहाँ से ny आ जाएगा 24 न्यूटन आ जाएगा। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, यहाँ पर नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट फोर्स तो हमको जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स यहाँ से मिल सकता है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, और इस तरह से हम यहाँ पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल सकते हैं। क्यूब है, क्यूब में एक स्पीयर रखा हुआ था, तो टोटल हमने फोर्स निकाल दिया कितना भाई, जितना फोर्स क्यूब स्पीयर पे लगाएगा उतना ही फोर्स स्पीयर क्यूब पे भी लगाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और बात करते हैं। चलो देखते हैं हमारे पास और रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास तीन ब्लॉक सिस्टम है, 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 28 न्यूटन का, और ये 1, 2 और ये 4 केजी का है। इस तरह हम देखेंगे तो ये T1 लगेगा, ये T2 लगेगा, T1 ही लगेगा, ये T2, ये भी T2। इसको पूरे में सिस्टम मान लें, और जब हम सिस्टम मान के इसका कॉमन एक्सेलरेशन a निकालेंगे तो 28 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 1 आएगा, जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मतलब ईच ब्लॉक 4 मीटर, हम यहाँ स्मूथ मान रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं मान रहे, तो ईच ब्लॉक इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें ये 4 आएगा और यहाँ पर ये टी का फोर्स लगेगा और ये ए से मूव करेगा, और ए हमारा कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T2 लिख जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू ए। ये जब बीच वाले ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे तो ये 2 होगा, इधर लगेगा T1, इधर लगेगा T2, और ये ए हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी बनाना चाहें तो इसकी भी बना सकते हैं, इधर लगेगा 28, इधर लगेगा T1, और ये 1 kg का, ये a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बनेगा। सबकी एबीडी निकाल के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर लेते हैं, कि इम्पोर्टेंट बात लेते हैं। देखिए मैंने बोला है स्लैब है जिसका मास m है, मास m है, और इसकी लेंथ जो है वो l है, इस पर f फोर्स लग रहा है और ऐसे स्मूथ सर्फेस पर रखा हुआ है, तो मैंने बोला इससे x डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर इस सेक्शन में कितना टेंशन, कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना टेंशन जनरेट हो रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो एक्सेलरेशन आएगा एफ बाई एम। अगर हम इसके बीच से तोड़ के देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें दिख रहा होगा, एक्चुअली दिखेगा नहीं, कि एक टी ऐसे लग रहा है और एक टी उसके जस्ट अपोजिट ऐसे लग रहा है, और ये फोर्स एफ होगा, ये भी ऐसे जा रहा होगा और ये भी ऐसे जा रहा होगा। अब ये मास अगर देखें तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एम बाई एल, और ये लेंथ हो गई एल माइनस एक्स, और ये लेंथ x हो गई, तो इसका मास हो गया m by l into l minus x, और इसका मास हो गया m by l into x। अगर मैं इसकी एबीडीएफ बनाऊ तो क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू एम ए, और m हमारा ये है m by l into l minus x, और अगर मैं यहाँ से into a कर दूंगा, और यहाँ से अगर मैं एबीडी बनाऊंगी इक्वेशन वन हो गई, यहाँ से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखू तो f माइनस टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, तो f by l into l minus x, इसको लिख भी सकते हैं f into 1 minus x by l। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं x को 0 कर दूं, x को अगर मैं 0 कर दूं तो ये एंड आ जाएगा x equal to 0, और यहाँ पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं f, तो यहाँ x रखो तो ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये f आएगा। अगर x को मैं l रख दूं तो वहाँ यूजन पे टेंशन 0 आने वाला है, आप देख सकते हैं, x को l रखोगे l से l जाएगा 1 बचेगा, 1 minus 1 0 होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ हम और बातें कर लेते हैं इसी तरह की। जैसे मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और उससे एक रोप जुड़ी हुई है जिसकी लेंथ l है, उसको एक पर्सन यहाँ से ऐसे पकड़ के पुल कर रहा है इस तरह,
और इसका मास स्मॉल एम है, ये कुल जिस फोर्स पे कर रहा है वो फोर्स एफ है। तो यहाँ पर ब्लॉक पे लगने वाला, यहाँ पर लगने वाला फोर्स पूछा, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हम इसके एबीडी बनाए, तो हम देखेंगे पहले कुछ को पूरा कि सिस्टम मान लें और ये कितने फोर्स पे पुल कर रहा है। तो ए हमारा आ जाएगा एफ अपॉन एम प्लस एम, और अगर हम देखें यहाँ पर तो ये टी हो जाएगा, और अगर मैं इस रोक की बीडी बनाऊं तो ये डी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, और दोनों सेम एक्सेलरेशन ए से भागेंगे। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू एम ए, तो ये स्मॉल एम है। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर दो। इक्वेशन नंबर वन ऐसे बन जाएगी और हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, और ए की वैल्यू हमारी एफ बाई एम है। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम इंटू ए एफ अपॉन एम प्लस एम, हमारे पास टी आ गया, टी की वैल्यू हमको पता चल गई है। और इस वजह से हम ए की वैल्यू में मालूम कर हमें टेंशन नहीं, हम यहाँ पर भी टेंशन निकाल सकते थे, इस टाइम पे भी टेंशन निकाल सकते थे, यहाँ पर भी टेंशन पूछता भी, तो यहाँ पर उसने पूछा था इस जगह पर, तो मैंने ये निकाला। यहाँ पूछता तो जस्ट वही वाला फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ और क्या आता है। क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का मास स्मॉल है, उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे हमने पुली लगा रखी है लोग, और ये स्ट्रिंग है, यहाँ से बनी है, यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ से बनी है। एक पर्सन है जो इसको पुल कर रहा है, और कितने फोर्स से पुल कर रहा है, एफ फोर्स से पुल कर रहा है। पर्सन का मास कैपिटल एम है, और हमसे बोला गया है कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे ये एफ होगा तो ये भी क्या हो जाएगा एफ, ये भी क्या हो जाएगा एफ। अभी सिस्टम पूरा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है मैंने मान लिया, वही दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर मैं पर्सन की एफ बी डी बनाऊँ, एफ बी डी बनाने जा रहा हूँ पर्सन की, मैन की एफ बी डी बनाऊंगा, तो मैन की एफ बी डी में देखेंगे तो इसका वेट नीचे लगेगा, और उस पर एक फोर्स एफ और एक एफ मिलकर टू एफ हो जाएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन इनके इनके बीच में लगेगी, वो भी ऊपर की तरफ लगेगी, और ये सिस्टम पूरा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टू एफ प्लस एम माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन बनेगी। और अगर मैं बी डी प्लान की बनाऊँ, एफ बी डी प्लान की एफ बी डी बनाऊंगा, तो प्लान के एफ बी डी में क्या होगा, प्लान के एफ बी डी में प्लान का वेट नीचे लगेगा एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन भी इस पर नीचे लगेगी प्लान के एफ बी डी में, अगर हम प्लान के एफ बी डी बनाएं। और प्लान के ऊपर की तरफ ये एफ और एफ मिलके कितना फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए टू एफ, और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी टू एफ माइनस एन प्लस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, ये स्मॉल एम है, ये इक्वेशन टू है। अब मुझे दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, तो जैसे दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो टू एफ हो जाएगा फोर एफ, एन से एन उड़ जाएगा, और ये माइनस एम जी, और वो माइनस कैपिटल एम जी, और ये माइनस स्मॉल एम जी आ जाएगा, और इधर हो जाएगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। और इसको सॉल्व करने के हमारे पास ए इज इक्वल टू आएगा फोर एफ माइनस जी कॉमन ले लें, एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम, ये हमको मिल जाएगा अगर हम ध्यान से देखें। तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया फोर एफ माइनस एम प्लस एम इंटू जी, एक्सप्रेशन हमको मिल गया। थोड़े पुली प्रॉब्लम की हम बात कर लेते हैं, पुली प्रॉब्लम ऐसे कई सारे सवाल हम कर सकते हैं, ऐसे यही लॉजिक हम ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ऐसे मैंने दे दिया, ये पुली है यहाँ पर, और यहाँ से एक रस्सी है, और ये पर्सन ने इसको यहाँ से पकड़ के एफ फोर से खींच रहा है, इसका भी मास एम है, इसका इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा, सेम जैसा हमने इसमें किया। एफ बी डी बनाना बस इम्पॉर्टेंट है, एफ बी डी में कितने कितने फोर्स लग रहे हैं ये देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं पुली प्रॉब्लम में। तो पुली प्रॉब्लम जो होती है, पुली प्रॉब्लम में हमने आपको बताया एक मास है, इससे पुली से दूसरा मास जुड़ा हुआ है, दोनों के मास दिए हुए हैं m1 m2, यहाँ पर m2 m1, ये a से जा रहा है, ये a से जा रहा है इधर। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इसकी लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू m1 इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिख सकता हूँ t
इक्वल टू ये एम टू है ऊपर वाला शायद, मैंने ऊपर वाले को एम टू लिया है, तो ये एम टू ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन। ये दो इक्वेशन है हमारे पास और हमारे अननोन भी दो हैं। जो हमारे अननोन है वो दो अननोन है, एक है ए और एक टी, इनको सॉल्व करके ए और टी निकाल सकते हैं। ए का निकालने का एक और भी मेथड होता है जो मैंने आपको बताया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टी एम एस टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ से कितना आएगा देख लो, पुलिंग फोर्स में से एम वन जी काम करेगा, यहाँ कोई पुलिंग फोर्स नहीं है, अपॉन सिस्टम का मास है एम वन प्लस एम टू, और हमारे पास ये ए आया और ए उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें यहाँ पे टेंशन भी मिल जाएगा। यही चीज हम दूसरे पूरी में भी कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, हमने ऐसे एक पुलिंग बनाई और ये एंगल थीटा, ये हमने एम टू लिया है, ये हमने एम वन लिया है, यहाँ भी वही बात लगा सकते हैं और मान लीजिए ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये से इधर जा रहा है। अगर हम इक्वेशन बना के करना चाहें तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, ये एम टू जी हो जाएगा और ये एम टू जी कॉस थीटा हो जाएगा और ये एम टू जी साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम एक्सेलरेशन इसकी इक्वेशन लिखें तो टी माइनस एम टू जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, मतलब ये एम टू ए है, और इसकी लिखें तो एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए। ये दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनेंगी, हम यहाँ से दोनों को सॉल्व करके टी और ए निकाल सकते हैं, और ए निकालने का हमारे डायरेक्ट ही मेथड है अगर हम ये निकालना चाहें तो। ये हमारे पास होता है एन पी एस अपॉन टी एम एस नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल। अब पुलिंग फोर्स में ये भी है और ये भी है, नीचे की तरफ एम वन जी लग रहा है, ए डोमिनेटिंग है तभी नीचे लेके आ रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा एम वन जी माइनस एम टू जी साइन थीटा अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। हमारे पास ये देखो एम वन प्लस एम टू, उसका मास हो गया हमारे पास, लिख लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ से हमको मिल सकता है। और कुछ और भी इसमें देखो, कभी कभी पुली पे रिएक्शन पूछ देता है कि पुली पे कितना रिएक्शन होगा, वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास एक पुली है, ये मास एम है और इधर दिया हुआ है हमको कौन डोमिनेटिंग है देख लेंगे, ये एम टू है, ये एम वन है, ये ए से नीचे जा रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, कभी कभी यहाँ आपसे पूछ देता है, ये यहाँ पर पूछ देता है एफ की वैल्यू यहाँ कितनी होगी। तो देखें अगर मैं ए निकालू तो ए डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ए आ गया। हमने क्या यूज किया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। और अगर मैं एक बात और देख लू यहाँ पर कि टी निकालना, तो टी मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टी कैसे लिख सकता हूँ, टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए, और ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखूंगा तो हो जाएगा एम वन ए प्लस एम वन जी, और यहाँ से एम वन कॉमन लेते ही ए की वैल्यू मैंने उठा के रखी, ए की वैल्यू क्या है, एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, और मैंने यहाँ से जी कॉमन लिया है तो यहाँ पर जी आ जाएगा, जी आ जाए तो यहाँ पर जी मैंने कॉमन लिया ए की वैल्यू रखी, तो यहाँ से देखेंगे हमको क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू एम वन, टेंशन हमको यहाँ से मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा एम वन और ये हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी प्लस एम वन जी प्लस एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और ये यहाँ से उड़ गया। तो यहाँ से आप देखो एम टू जी मिलकर टू आ रहा है, तो हमें टेंशन देखो सीधी क्या आ रहा है, टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हमारे पास टेंशन आया है। लेकिन जो ये फोर्स है, ये फोर्स देखा जाए तो ये भी टी होगा और ये भी टी होगा, तो ये फोर्स जो हमारा आएगा ये टू टी के बराबर आएगा, तो टू टी करेंगे तो टू इन टू टी, तो टू एम वन एम टू अपॉन जी आ जाएगा एम वन प्लस एम टू। तो हम देख सकते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई है, मतलब पुली पे लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ आ गया है जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो ये पुली प्रॉब्लम थे, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ी स्यूडो फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आता है। जैसे हम बात करना शुरू करें
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या पेंडुलम है, बस में ऐसे हैंग कर रहा है और ये बस ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो स्यूडो फोर्स देखने का तरीका क्या है? स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, स्यूडो फोर्स से हमें जो स्यूडो फोर्स मिलता है डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन की एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। देखो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो हमें क्या, हमें क्या तरीका इसका मास है, तो नीचे तो एमजी लगी रहा होगा, इसको हम रेस्ट में ले आएंगे और देखेंगे ये एमजी और इधर की तरफ ये लग रहा है ये एमए है, यही वो स्यूडो फोर्स है यहाँ। तो ये जब ऐसे लगेगा तो ये ऐसे सीधा नहीं रहेगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये जो हमने लगाया है यही हमारा स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स पे हमें दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम फ्रेम को रेस्ट में कर दें और उसको स्यूडो फोर्स दे दें, या लॉन्ग फ्रेम से बीडी लिख सकते हैं, कैसे भी करना चाहें। या तो फ्रेम के फ्रेम में खड़े होकर देख लें या ग्राउंड से देखें, ग्राउंड से खड़े होकर देखेंगे तो हमें एक्सप्रेशन दिखाना पड़ेगा और फ्रेम में खड़े होकर देखेंगे तो हमें स्यूडो फोर्स लगा के दिखा देना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो मैंने बोला है अभी। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने एक पर्सन है और लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट में एक वेइंग मशीन लगी है, पर्सन का मास स्मॉल एम है और ये एयर स्टेशन से ऊपर जा रहा है, तो वेइंग मशीन की खास बात है कि इट मेजर नॉर्मल रिएक्शन। क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं इसको इसकी एबिलिटी बनाऊं तो ये मैन पे एम जी लगेगा नीचे, एन लगेगा ऊपर और ए लगेगा ऊपर, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। देखें तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि उसको नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा तो मतलब वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी, जो रीडिंग में हमको मिलेगा, रीडिंग क्या होगी? एम जी प्लस एम ए होगी अपना हमें यहाँ से। लेकिन उसका एक्चुअल वेट क्या होगा? एक्चुअल वेट होगा वो एम जी होगा। अब इसको तो हमने कैसे सॉल्व किया? ग्राउंड फ्रेम से इसमें एक्सेलरेशन दिखाया। अब इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कि हम क्या कर सकते हैं, इसको रेस्ट में कर सकते हैं। अब हम इसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो ये वेइंग मशीन पे ऐसे खड़ा हुआ आदमी है, तो जैसे इसको रेस्ट में करेंगे तो जो उसको एम जी तो नीचे लग ही रहा था, साथ में इसको एक स्यूडो फोर्स और मिलेगा। अभी दूसरा मेथड है, इसमें मैंने स्यूडो फोर्स दिया है। अब इसकी एबिलिटी बनाऊं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे और स्यूडो फोर्स एम ए भी नीचे, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, वहां मैंने एक्सेलरेशन दिया है ग्राउंड फ्रेम में जाके और वहां स्यूडो फोर्स से क्या, दोनों में रीडिंग सेम आ रही है। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ उससे, देखिए रफ करता हूँ इसे। जैसे मैं बोलूं कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इसके अंदर एक पुली है, पुली में एक मास M1 है एक मास M2 है। अब मैंने इसमें टेंशन पूछा, एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन टेंशन आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको करना तो मैं क्या करूंगा, अब ग्राउंड फ्रेम से नहीं कर रहा हूं, उसको रेस्ट में कर देता हूं मैं। रेस्ट में करने के बाद होगा क्या, आप देखना। पहले तो इधर क्या लग रहा था, M1G, और इधर भी क्या लग रहा था, M2G। तो मैंने क्या किया, अब इधर लग रहा है M1G प्लस M1A का स्यूडो फोर्स और इधर भी लग रहा है M2G प्लस M2A का स्यूडो फोर्स लग रहा है। और मैंने मान लिया कि अब ये A डैश से ऊपर जा रहा है या ये A डैश से नीचे आ रहा है, ये मैंने इसको बड़ा मान लिया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो यहाँ पर इक्वेशन में मैं अब क्या करूँगा, टी ए टी ले लिया, अब मैं लिखूंगा टी माइनस M1G प्लस M1A इज इक्वल टू M1A डैश, और यहां से लिखूंगा M2G प्लस M2A माइनस C इज इक्वल टू M2A डैश। दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को हम जैसे ऐड करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा M2G प्लस M2A माइनस M1G और माइनस एम वन ए, और यहाँ से हमें ए डैश बाहर आ जाएगा और एम वन प्लस एम टू आएगा। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एम टू कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ से जी प्लस आएगा, यहाँ से माइनस एम वन कॉमन ले सकता हूँ तो भी यहाँ से जी प्लस ए आएगा, और ये ए डैश एम वन प्लस एम टू रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ए डैश निकालना चाहें तो ए डैश हमारे पास क्या आ सकता है, एम टू माइनस एम वन ब्रैकेट में जी प्लस ए अपॉन एम वन प्लस M2, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया।
देख सकते हैं हमने इसको रेस्ट में कर दिया है, यहाँ हमने रेस्ट में कर दिया, और ये जो हमने दिखाया है ये दोनों स्यूडो फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है हमारे पास। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और आपको करा देते हैं इस तरह का, कैसे हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जैसे उन्होंने ये ब्लॉक है, यहाँ से ये ए है, ये एम मास है, पॉइंट ए, हमें ए निकालना है, दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, और फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, हम नॉर्मल रिएक्शन भी निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखें ये ए एक्सटेंशन से जा रहा था, ए से, तो हमने क्या किया, इसको रेस्ट में कर दिया, ये रेस्ट में कर दिया, और ये एम हो गया, और इधर हमने इसको, तो इधर एम ए का फोर्स लग गया। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये थीटा, ये एम जी, और ये अपना थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा होगा। अब देखो एम जी के कंपोनेंट होंगे, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसे जाएगा। अब एम ए को भी दो कंपोनेंट करेंगे, एक ये करेंगे एम ए कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम ए साइन थीटा। अब मालूम है ब्लॉक डज नॉट मूव अलोंग प्लेन, ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होने चाहिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बहुत ध्यान से देख सकते हैं। और यहां से एम एम कट गया, तो हमारे पास ए इक्वल टू जी टैन थीटा आ गया। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन बहुत आसान आराम से निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें और ए की वैल्यू क्या, जी टेन थीटा, तो ये हो जाएगा जी टेन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये साइन थीटा है, प्लस एम जी कॉस थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें ये एन आया, और अगर हम इसको देखें तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, एन इज इक्वल टू एम जी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस जर भेज दें एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम ले लिया और ये कॉस थीटा आया, तो एन इज इक्वल टू क्या आया, एम जी अपॉन कॉस थीटा। अपने को नॉर्मल रिएक्शन भी आ गई है, एक्सेलरेशन भी आ गया, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा कंस्ट्रेंट मोशन की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन की बात हम करेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन में हमें एक बात याद रखनी, कोई भी स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, नेट पावर डिलीवर बाय स्ट्रिंग, नेट पावर डिलीवर हमेशा कितना होना चाहिए, जीरो। इस नेट पावर डिलीवर का जीरो होने का मतलब क्या है, कि अगर हम टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो टेंशन और वेलोसिटी का ओवरऑल स्ट्रिंग में हर जगह डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो के बराबर होना चाहिए। उसी रिलेशन से हम एक्सेलरेशन का रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं, एक ट्रिक है वो। चलो देखते हैं, हमारे पास एक ये पुली दी हुई है, एक ये दी है, और यहाँ से हमारे पास एक ब्लॉक ये दिया है, एक ब्लॉक ये दिया है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ए से नीचे जा रहा है और ये ए बी से नीचे जा रहा है। रिलेशन निकालना है, तो मैं मालूम है ये टी टी टी, ये टू टी, ये ट्रिक है इसकी। हम टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और टेंशन एक्सेलरेशन का भी ले लेंगे, यहाँ पर तो जाएगा टू टी टी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस टू टी ए ए, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा टी इंटू ए बी, और इसको जीरो के बराबर कर देंगे, आसानी रहती है इसको सॉल्व करने में। माइनस टू ए ए प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू टू ए ए आ गया। देखिए छोटे में जल्दी से सवाल हो गया है, वरना कंस्ट्रेंट लगाने के बाद।
अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जल्दी से देख लें। हमने यहाँ पर एक सवाल और दे रहा हूँ आपको, एक ये बना है इधर और ए बी सी, ये ए सी से नीचे आ रहा है, ये ए बी से ऊपर जा रहा है, ये ए से भी आ रहा है, यहाँ पे हमने टी किया, ये टू टी किया, ये टी किया। आप ध्यान से देखें, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस का टी इंटू ए प्लस, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, टू टी इंटू ए बी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का टी इंटू ए सी इज इक्वल टू जीरो। टी उड़ा देते हैं, तो ए प्लस टू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, ए प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। देख सकते हैं यहाँ से हमको कैलकुलेशन मिल गया, ए प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। और देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक ब्लॉक ऐसे दिया है, ये पुली में आया, इधर पुली में आया, नीचे गया, और नीचे जाने के बाद ये इधर, ये ब्लॉक यहाँ है, ये ए सी से नीचे जा रहा है, ये ए वन से जा रहा है, ये ए टू से जा रहा है। अब देखो ये टी टी मास सेम है, हमने इसको टी टी ले लिया, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी मास सेम है, ये टू टी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर देखें दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का टी ए, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी, सॉरी ये वन है और ये टू है और ये सी है, तो टू ए वन, फिर प्लस का इधर देखें तो प्लस का टी इंटू ए टू, और प्लस का ये देखिए, ये माइनस लगे क्योंकि टेंशन का एरो ऊपर है और एक्सप्रेशन नीचे है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आएगा ए वन प्लस ए टू माइनस टू ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा यहाँ से एक ऑप्शन बनेगा, ए वन प्लस ए टू माइनस टू ए थ्री इक्वल टू जीरो। इसी में कुछ मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग लगी है और यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने लगा रखा है, दोनों मास सेम है, जैसे मान लें हम 10 और 10, तो ये 10 जी हो जाएगा, यहाँ ये रेस्ट में हो जाएगा, रेस्ट में, तो ये नीचे 10 जी लगेगा, तो ये जो रीडिंग देगा, ये रीडिंग जो होगा वो 10 जी ही देगा, क्योंकि इधर भी 10 जी है और ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हमने दोनों के मास बदल दिए तब क्या होने वाला है देखते हैं। अगर हमें दोनों के मास बदल दिए और एक का मास 10 किया और एक का मास 20 किया, ये स्प्रिंग बैलेंस है, अगर मैंने इसका 20 कर दिया और इसका मैंने 10 कर दिया, तो आप देखें तो ये 20 जी लगेगा, ये 10 जी लगेगा, ये स्प्रिंग एक थी, तो स्प्रिंग के दोनों एंड पे जो टेंशन जनरेट होगा, जो फोर्स तो सेम होगा, तो ये भी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें रीडिंग निकालनी है कि टी क्या होगा, अब ना टी हमारा 10 होगा और ना टी हमारा 20 होगा, अब टी कुछ और आएगा। तो देखें यहाँ ए से जा रहा है, ये ए से जा रहा है, तो यहाँ इक्वेशन क्या होगी, 20 जी माइनस टी इज इक्वल टू 20 ए, और यहाँ क्या होगी, टी माइनस 10 जी इज इक्वल टू 10 ए। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टी से टी उड़ जाएगा और हमारे पास बचेगा 20 जी, और इधर से अपने को ये टी माइनस 10 जी है, दोनों को हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमको कुछ 10 जी ऐसा आएगा, 10/3। और इन दोनों को हम इक्वेशन टू मान लें, इक्वेशन वन मान लें, इक्वेशन टू वन को ऐड करेंगे तो उससे हम ए निकाल देंगे और ए की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें टी आ जाएगा। तो ये रीडिंग ना 10 देगा ना 20 देगा कुछ और रीडिंग देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह की बातें होती हैं नीट के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। अब अगर मैं बोलूँ ये सीरीज में लगे हुए हैं तो, और ये 10 जी है, तो ये पूरे में समय टेंशन एक सा होगा, समय टेंशन एक सा होगा, इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग अगर ये सेम होगी, रीडिंग दोनों की कैसी होगी, सेम रीडिंग होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग को कट कर सकते हैं,
कट करने वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब दोनों वेट अलग अलग हैं तो हमको दो इक्वेशन लानी पड़ेगी सेकंड लॉ का यूज करके, और अगर दोनों वेट इक्वल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमारे पास एक ऐसा लगी है स्प्रिंग, उसमें एक लॉक है, ये है, ये 2m का है, ये m का है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। तो अभी यहां क्या हम कर सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे इधर पे, तो हमने जैसे स्ट्रिंग को कट किया, कैसी बना दी, इधर बना दिया, पहले में काम करेंगे बिफोर कट की बात करेंगे। बिफोर कट, तो बिफोर कट क्या होगा, ये टेंशन टी मान टी वन मान ले, ये भी टी वन हो जाएगा, इसमें टी टू हो जाएगा। अगर मैं यहां पर ये नीचे एम जी हो जाएगा, अगर मैं पहले वाले की एबीडी बनाऊं तो हो जाएगा एम जी और ये हो जाएगा टी वन, और टी वन इज इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ से एम जी, और दूसरे वाले की एबीडी बनाऊं तो ये हो जाएगा टी टू और नीचे हो जाएगा टू एम जी और साथ में टी वन लगेगा, तो टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस टू एम जी, जो टी टू हमारा थ्री एम जी आएगा। ये हो गया। अब आफ्टर कट देखते हैं, आफ्टर कट वो भी जस्ट आफ्टर, जस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि बाद में सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसे हमने कट किया तो T1 जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा कट करने के बाद, तो जो नीचे वाला ब्लॉक होगा लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक के पास सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा एम जी का, और वो ए एक्सेशन से नीचे जाएगा और वो ए तो जी होगा क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। और जो अपर ब्लॉक है उसके अगर हमें बी टी बनाया तो टू एम, उसका मास टू एम था, उस पर नीचे टू एम जी लग रहा था और साथ में T1 लग रहा था। देखो यहाँ से T1 लग रहा था, T1 खत्म हो जाएगा और ऊपर हमारा तो T2 लग रहा था और T2 की वैल्यू हमारे पास 3mg थी। अब ये देखिए A एक्सप्रेशन से ऊपर जाएगा, तो अगर हम A निकालें तो क्या आएगा, 3mg माइनस 2mg अपॉन 2m, तो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से g बाई टू आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गए, एक ब्लॉक का g, दूसरे का g बाई टू एक्सप्रेशन आएगा। चलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रिक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन की तरफ बढ़ेंगे, फ्रिक्शन तो जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन है अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, जब कॉन्टैक्ट है, मोशन का अपोज कभी नहीं करता, रिलेटिव मोशन का करता है। और फ्रिक्शन तभी होगा, फ्रिक्शन तभी होगा जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगी। अगर नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, नो टेंडेंसिटी ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, देन नो फ्रिक्शन। जैसे मैं आपको बताना चाहें, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने एक ब्लॉक लिया, रफ सरफेस पे रखा एम मास का और उस पर आप फोर्स लगाया, ये मूव नहीं कर रहा, डज नॉट मूव, बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इसके इसके बीच में सरफेस और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन टेंडेंसी है, तो यहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन यहां पर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ब्लॉक है और यहां बॉल लगा दिए, रख दी है बॉल और इस पर फोर्स लगाया, अब यहां पर क्या है, फ्रिक्शन, ये भी रफ है, अभी भी रफ है, लेकिन यहां नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो यहां नो फ्रिक्शन होगा। नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है तो इधर पे नो फ्रिक्शन होगा। हम फ्रिक्शन को जल्दी से कैटेगराइज कर लेते हैं, ध्यान से देखें,
फ्रिक्शन को कैटेगराइज करते हैं। जो फ्रिक्शन है दो तरह का होता है फ्रिक्शन, पहला स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक या डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, बट रिलेटिव मोशन नॉट स्टार्टेड। टेंडेंसी होगी बट रिलेटिव मोशन शुरू नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन, नॉट स्टार्टेड येट बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा। और ये तब जब लगेगा जब रिलेटिव मोशन हैज बीन स्टार्टेड। जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा तब, जैसे मैं बात बताते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही फोर्स एफ है और एफ की वैल्यू हमने जीरो से, एफ को जीरो से शुरू किया और ये फ्रिक्शन था, यहाँ पर इसकी फ्रिक्शन की एफ एस की वैल्यू मीयर से इंटू वन आप सब जानते हैं। तो जब तक हमारा एफ, जब एफ जीरो होगा तो कोई फोर्स ही नहीं होगा, फ्रिक्शन भी जीरो होगा। एफ जब तक बढ़ते बढ़ते मीयर से के बराबर आएगा, ठीक है, तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन उतना ही रहेगा जितना अप्लाइड फोर्स है, तभी इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद एडजस्ट करता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है इसको क्रॉस कर जाएगा तो वो तुरंत रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा एफ, तुम्हारे एफ एस, इसको हम एफ एस मैक्स बोलते हैं, एफ एस मैक्स को क्रॉस नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना अप्लाइड फोर्स होगा। तो वहां से हम देख लेते हैं, लेकिन जैसे अगर ये मूव करने लगा, अब ये अगर इसके पास वेलोसिटी आ गई तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, जो म्यू के इनटू एन होगा। यहाँ से अगर हम इसको ग्राफ से देखें बहुत ध्यान से, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब जब तक तुम्हारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तब तक तुम्हारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा, बट रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी। लेकिन जैसे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेगा ब्लॉक मूव करने लगेगा, तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट वहां पे वर्क करने लगेगा। अब जैसे हम इसको ग्राफ से समझाते हैं, अगर मैं फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसे शुरू होगा और फिर बाद में ये ग्राफ ये जाएगा। तो यहां से ये तुम्हारा जो होगा ये म्यू एस इनटू एन होगा फ्रिक्शन, और फिर ये इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ध्यान से देख सकते हैं। अब यहां पर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, आप देखेंगे म्यू के इनटू एन होगा, आप देख रहे हैं म्यू एस इनटू एन, म्यू के इनटू एन से बड़ा होता है, म्यू के इनटू एन थोड़ा छोटा है यहां से, तो ये आपको समझ में आ गया। जो एकदम टॉप टॉप एकदम पीक, वो पीक बता रहा है एफ एस मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये देखो ये किसके बराबर है, म्यू एस, तो हम यहां से कभी कभी हमें एफ एल भी लिखा मिलेगा म्यू एस इनटू एन, या हम एफ एस मैक्स को भी म्यू एस इनटू एन लिखेंगे, ये आपने पढ़ा होगा। कभी कभी ये ग्राफ उल्टा बन जाता है कंफ्यूज करने के लिए आपको, अप्लाइड फोर्स यहाँ हो जाता है और ये इधर बन जाता है, तब इसके ग्राफ को थोड़ा ऐसे करके बना दिया जाता है, इस शेप में बन जाता है, मतलब ग्राफ ऐसे जाके इधर चला, जैसे ये इधर जाके झुक के इधर गया है वैसे ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा, वैसे भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए कुछ इसमें बेसिक बेसिक बातें वो हम कर लेते हैं। चले जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स लगाया, या ऐसे एफ फोर्स लगा दे रहा है, तो हमको मालूम फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते अपनी लिमिटिंग तक जाएगा, वो म्यू एस इनटू एन होगा और नॉर्मल रिएक्शन होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहां से जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ म्यू एस इनटू एन एंड एन, और ये एंगल लैम्डा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये ट्रायंगल हम बनाए तो ये म्यू एस इनटू एन, तो ये भी म्यू एस इनटू एन, और ये एन, तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन अपॉन एन, एन से एन उड़ जाएगा, टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस आएगा। देख सकते हैं हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। अब नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज भी देख लेते हैं। एंगल
एंगल ऑफ रिपोज में देखेंगे क्या है। अगर हम एंगल ऑफ रिपोज को देखें क्या हो सकता है, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं ब्लॉक का मास है, रफ सरफेस है। एक टाइम के बाद ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो जिस टाइम पर ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा, और जब तक यार मैं बोल सकता हूं जब तक ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, मैक्सिमम जिस थीटा के लिए स्टेशनरी रहेगा वो थीटा ही चलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। अब थीटा को हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए थीटा हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे पास एक थीटा ऐसा आया, ये थीटा को मैंने थीटा आर बोला कि यहां से बस इसके बाद अब रिलेटिव मोशन इस ब्लॉक के टेंडेंसी नीचे आने की है, तो हम देखेंगे एम जी ये थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, सॉरी एन और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। नीचे आने का टेंडेंसी इसका है लेकिन अभी आ नहीं रहा, तो ये फिक्शन पीछे लगेगा म्यू एस इंटू एन। हम यहां से देख सकते हैं म्यू एस इंटू एन जो है वो हमारे एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, और आगे हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास एन की वैल्यू किसके बराबर है आप देख सकते हैं, और एम जी तो हम एन के प्लेस से क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से हमको मिला म्यू एस इज इक्वल टू यहाँ से मिला टेन थीटा आर, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा आर, तो हमको ये एंगल ऑफ रिपोज यहाँ से मिल जा रहा है। आगे की हम बात चर्चा आगे की चर्चा हम कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, हालांकि नीचे में कोई सवाल कभी आया नहीं है, टू ब्लॉक सिस्टम, हालांकि थ्री ब्लॉक सिस्टम भी होते हैं लेकिन थ्री अपने को नहीं करने हैं, टू ब्लॉक सिस्टम इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जिसको एक बार समझ में आ जाता है उसको अच्छे से आ जाता है। टू ब्लॉक सिस्टम में क्या है आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास दो ब्लॉक दिए हैं, टेन के जी और 40 के जी का, ये स्मूथ है स्मूथ और ये रफ है, तो इसका म्यू एस है 0.6 और म्यू के है 0.4, दोनों अलग अलग दिए, और 10 न्यूटन 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपको बताना है कि ये साथ साथ चलेंगे, सबसे पहली बात क्या मूव बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। इफ इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है, देन फाइंड देयर इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले चेक करना है कि साथ में चलेंगे कि नहीं, तो ये मेथड क्या एक तरह का एजम्पशन है, हम ये चेक करेंगे साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब हम एक बात ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैंने बोला एज्यूम बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, अब जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, ये 40 और ये 10, 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, एक सिस्टम बनाइए और ये सिस्टम देखो, सिस्टम क्या बना, 40, 20, 50 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया हमारे यहाँ पे, एक्सेलरेशन आ गया 100 बाई 40 प्लस 10, एक्सेलरेशन हमको आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखेंगे दोनों ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड, अब इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर मैं यहाँ पे अलग पहले अलग बनाऊँ, अलग ब्लॉक बनाता हूँ, सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया फिर अलग ब्लॉक बना रहा हूँ, कि इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है 100 न्यूटन और ये 10 और ये 40, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे और इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, तो हम देख लेते हैं। अब ये दोनों को साथ साथ चलना है, मूव टुगेदर, तो हम देखेंगे मूव टुगेदर के लिए दोनों साथ साथ चलेंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगा,
एट इक्वल टू हमारा 2 है और ये हमारे पास 100 है, तो हमारे पास 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो फ्रिक्शन हमारे पास 80 न्यूटन आ गया। अब नीचे से भी फ्रिक्शन निकालें तो वो भी उतना ही आना है, 40 इंटू एफ और ये ए 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यहाँ से फ्रिक्शन आ गया 80 न्यूटन। इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साथ में मूव करेंगे, मैंने अज्यूम किया कि अगर ये साथ में मूव करते हैं तो क्या होगा, साथ में मूव करते हैं तो हम देख रहे हैं साथ में मूव करते हैं तो मुझे फोर्स की जो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो मुझे मूव साथ में मूव कराने के लिए कितना चाहिए, 80 न्यूटन। बट इन दोनों के बीच में अगर मैं एफ एस मैक्स की अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालू, इसको बोल सकते हैं अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तो वो हमारे पास म्यू एस इंटू एन है और म्यू एस 0.6 है और यहाँ एन आ जाएगा इस केस के बीच में 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 न्यूटन। मतलब एक बात तो तय हो गई है कि हमें इनको साथ में मूव कराने के लिए 60, तो हमें जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर मूविंग टुगेदर इज 80 न्यूटन, बट अवेलेबल फ्रिक्शन 60 न्यूटन। मतलब इसको 80 न्यूटन नहीं मिलेगा, 60 मिलेगा मैक्सिमम, इसका मतलब 80 नहीं मिल सकता है। तो अभी इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि हमने जो असम्पशन माना है वो सही नहीं होगा, मतलब ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अभी दोनों जब अलग अलग मूव करेंगे तो हम एक काम करते हैं, जब ये दोनों अलग अलग, इट मीन्स वहां से देखते हैं, इट मीन्स बोथ लॉ डज नॉट मूव टुगेदर एंड दे मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो हमें काम करते हैं, जब वो मूव करने लगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा और हमारा 100, अब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये 10 है, ये 40 है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की हमें वैल्यू पता है वो म्यू के इंटू एन होगी और म्यू के 0.4 है, 0.4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40। अब देखते हैं बहुत ध्यान से, तो क्या इक्वेशन बनेगी बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले ब्लॉक के लिए बनाएंगे फर्स्ट ब्लॉक के लिए बनाएंगे। अब ये मैंने म्यूटेट को लगाया तो मुझे पता चल गया कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं कर सकते हैं। कैसे पता चला है, क्योंकि हमने पता कर लिया है साथ में मूव करने के 80 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए बट अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 न्यूटन है, मतलब गलत बात हो गई। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन A1 निकालूं तो A1 क्या आ जाएगा, 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका निकालूंगा तो इसका क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर ये 40 न्यूटन से चल रहा है तो 40/40 करेंगे तो 40/40 कितना आएगा, A2 ये 40 है, 40/40 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख सकते हैं टू ब्लॉक सिस्टम में पहले हमने अज्यूम किया कि साथ में मूव करेंगे बट ऐसा नहीं हुआ, वो साथ में मूव नहीं करें, समझ में आ रही होगी बात आपको, साथ में मूव नहीं किए। कैसे पता किया साथ में मूव नहीं किए, मैंने ये पता किया कि साथ में मूव करने के लिए अवेलेबल फ्रिक्शन में कितना चाहिए, साथ में मूव करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल फ्रिक्शन 80 न्यूटन चाहिए बट मिलता कितना है 60 न्यूटन, इसका मतलब साथ में मूव नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते बस आप उनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो, जब नहीं मूव कर रहे साथ में इसका ट्राई कर रहे फ्लैट कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, रिलेटिव मोशन शुरू हो गया तो दोनों के बीच में मैंने देखो कौन सा फोर्स लगा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा है, वो भी कौन सा, काइनेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा संतुलन मोशन में फ्रिक्शन का रोल देख लेते हैं। बात करेंगे रोटर क्या होता है, सर्कुलर ऐसे सिलेंडर होता है एक्सेस के अबाउट घूमता है ओमेगा से, एक मास है, हमें इसको यहाँ रुके रहना, स्लिप नहीं करना है, तो इस पर नॉर्मल एक्शन एन लगेगी और तो सबको मालूम है ये बात, तो एन की वैल्यू अगर हम निकालें तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगी और ये एम जी है
नीचे की तरफ, तो इधर क्या लगेगा म्यू एस इंटू एन, और ये रुका कब रहेगा, म्यू एस इंटू एन जब किसके बराबर हो, एम जी के बराबर हो, तो म्यू एस इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी, तो एम इज इक्वल टू, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया जी बाई म्यू एस आर, तो ओमेगा क्या आ गया जी बाई म्यू एस आर इंटू, ये ओमेगा की मिनिमम वैल्यू आई है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हमें मैक्सिमाइज़ फ्रिक्शन वो इतना है, वो हमेशा जो है इससे उससे ये बड़ा होना चाहिए, तभी ये, तो ये ओमेगा की हमारी मिनिमम वैल्यू आई, ओमेगा की मिनिमम वैल्यू हमको मिल सकती है अंडर रूट म्यू एस जी बाई आर। नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा होगा कि गैल्स रोड पे मैक्सिमम स्पीड इन सर्कुलर मोशन, वो साइक्लिस्ट कर्व वाला भी आपको पता है, बेसिक की बात है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, देख लेते हैं हम आगे, अगर हम बोले बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बोले, अगर रोड प्लेन है और प्लेन होने के लिए बिना किसी एक्सीडेंट के हमें टर्न लेना है, तो हमारी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो सब आपको पता है, तो अनबैंक रोड, अगर अनबैंक रोड है तो वहाँ मैक्सिमम स्पीड हो सकती है हमारे पास वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। अभी आर और जी क्या है सब आपको अच्छे से पता है, रेडियस और वहाँ का उसकी सर्कुलर रेडियस है, अगर अनबैंक है, और अगर बैंक है, बैंक रोड है, तो मैंने आपको क्लास में प्रूफ भी कराया है, यहाँ दो केस होते हैं, अगर तेज चलोगे बैंक रोड पे तो भी बाहर चले जाओगे, एक स्पीड से ज्यादा तेज चलोगे तो भी बाहर चले जाओगे, और एक स्पीड से कम चलोगे तो अंदर की तरफ आ जाओगे। तो यहाँ पर फॉर सेफ राइडिंग मैं बोल सकता हूँ, फॉर सेफ राइडिंग, सेफ राइडिंग के लिए आपके पास बैंक रोड में, जैसे ये बैंक रोड हमने ऐसे बनाई, बैंक रोड, ये कार आ रही है, ये कार है, कार अगर किसी भी स्पीड से कम चली तो नीचे की तरफ आ जाएगी, और स्पीड से ज्यादा चली तो उधर भाग जाएगी, तो सेफ स्पीड के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ कार जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ कार वी मिन से ज्यादा होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ कार, और हमारे पास वी मिन और वी मैक्स के बीच में होनी चाहिए, तब तो काम चलता है, अदरवाइज काम हमारा नहीं चलेगा। तो ये वी मैक्स और ये वी मिन क्या है, सबको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वी मैक्स होता है बैंकिंग के लिए, वी मैक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा इंटू आर जी, और ये वी मिन होता है, वी मिन सबको मालूम है, वी मिन, वी मैक्स सबको पता होता है, वी मिन भी नहीं ज्यादा लोगों को ध्यान में रहता है, तो आप वी मिन भी लिख देंगे, तो वी मिन हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा इंटू आर जी, ये हमारा वी मिन आ गया, वी मैक्स आ गया। इस तरह से हमने ग्राउंड रूट की बात कर ली, ये सब प्रूफ आप कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वी मैक्स, मतलब अगर तुम इससे ज्यादा गए, क्योंकि स्पीड से ज्यादा गए तो भी गए, और इस स्पीड से कम गए तो भी गए, मतलब आपकी कार इस वी मैक्स और वी मिन के बीच में ही रहनी चाहिए बैंक रोड पे, और अनबैंक रोड है तो ये होगा। अब बोले फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर म्यू एस के ब्रेक से जीरो रखो, और जैसे म्यू एस के ब्रेक से जीरो रखोगे तो आपको यहाँ से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लेकिन वी मैक्स और वी मिन याद रखें। अब हम आपको जो अगला एक बात बताने जा रहे हैं, बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं उसको, देख सकते हैं, कुछ मैं फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सबको याद होनी चाहिए, एग्जाम के टाइम में आएगा। वेरिएबल मास सिस्टम में अगर मैं रॉकेट प्रपल्शन की बात करूँ, रॉकेट प्रपल्शन की बात करूँ, हालांकि ये आपको वेरिएबल मास सिस्टम सेंटर ऑफ मास में एक बार आएगा, लेकिन आपको फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ, एक बार आपको और भी बता दूंगा, एक बार और भी बताऊंगा, ठीक है, हालांकि इसमें ये है नहीं वेरिएबल मास सिस्टम, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, अगर फॉर्मूला ही याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, डेरिवेशन नहीं करना है, वहां पे एग्जाम में छूट जाएगा, फॉर्मूला ही बेस्ट क्वेश्चन होता है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो, तीन चार फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ, रॉकेट प्रपल्शन में लिखेंगे, देखो अब थ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट जो होगा, वो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है वी रिलेटिव डीएम बाई डीटी। वी रिलेटिव क्या है, अगर रॉकेट आगे जाता है तो उसका जो कंबल्शन के बाद जो गैसेस निकलती हैं वो कितनी स्पीड से निकल रही हैं उस रॉकेट के रिस्पेक्ट में, वो वी रिलेटिव है।
डीएम बाई डी टी है कि वो जो फ्यूल बर्न हो रहा है, जो मास कम होता जा रहा है, वो मास कितने रेट से कम हो रहा है, वो डीएम बाई डी टी है। क्योंकि कोई भी रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो उससे गैस निकलेगी, गैस निकलेगी मतलब उसका गैस निकलेगी, तो गैस या कंबशन होने के बाद जो भी रेसिडुअल निकलेगा उसकी वेलोसिटी निकलेगा, वही उसको तार देगा। तो वो निकलने वाली वेलोसिटी, रॉकेट से निकलने वाली वेलोसिटी ही भी रिलेटिव है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं रिलेटिव, रॉकेट के रिस्पेक्ट में रखिए। डीएम बाई डी टी किसी स्टेट से उसका मास कम होता जा रहा है। हाँ, ये तो रॉकेट ऐसे जाएगा भाई, रॉकेट भी बना देते हैं, रॉकेट रॉकेट जा रहा है। अभी रॉकेट अगर ग्रेविटी में जाए, लिख देते हैं वर्टिकली फायर्ड फर्स्ट फोर्स ऑन रॉकेट, वर्टिकली फायर्ड, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है उसमें हमें एमजी को भी काउंटर करना पड़ेगा। फिर रॉकेट जब ऐसे जाएगा तो ये तो फोर्स तो मिल ही रहा है हमको, साथ में एमजी नीचे भी लग रहा है, उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, उसको भी काउंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, एप्सोस्पोरिंग रॉकेट। तो वो एप्सोस्पोर कितना आएगा, अगर मुझे वी रिलेटेड डीएम बाई डी टी, तो अब ये से हम माइनस एमजी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो एमजी अब रॉकेट ऐसे जाए और ऐसे जाए, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है दोनों। अगर रॉकेट ऐसे जाए और ऐसे जाए, वी रिलेटेड से है ना, डीएम बाई डी टी से है, लेकिन दोनों में एब्सिस फोर्स चेंज नहीं होगा। तो ऐसे वाले में एमजी का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब ऐसे जा रहा है तो एमजी का रोल है, वो एब्सिस फोर्स को कम करता है। देखो पहले से कम हो गया एब्सिस फोर्स जब ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट आता है, देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट ए इज इक्वल टू, बस यहीं से आ जाएगा, वी रिलेटेड बाई एम इंटू डीएम बाई डी टी माइनस जी। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये m क्या है मैं आपको बता दूं, ये m उस टाइम का है जिस टाइम पर आपसे एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, उस टाइम का एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनेंगे, उस टाइम पर एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन वेरिएबल यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी जिस टाइम ये m बदलेगा, m बदलेगा, m बदलेगा, बाकी सब कुछ नहीं बदलेगा, मास डिके होने का रेट भी वही है, रेट ये भी सेम है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये बदलेगा तो बाकी एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ टी टाइम निकालें, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टी सेकेंड, तो वो भी वी क्या हो जाएगी, वी नॉट, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, प्लस वी रिलेटिव एल एन एम नॉट अपॉन एम। ये एम नॉट और वी नॉट क्या है, जिस टाइम रॉकेट प्रोजेक्ट किया गया उस टाइम उसका मास और उस टाइम उसकी वेलोसिटी, m क्या है t सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछी है, तो m उसका t सेकंड के बाद मास हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि अगर मास ऑफ द रॉकेट किसी टाइम पर मास पूछना है, तो मास इनिशियल मास कितना था m, तो अगर मैं मास दफन तो अब t सेकंड के बाद t समय के बाद dm by dt के रेट से घट के वो t हो गया। तो ये है मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट ध्यान से देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, एक बार आप याद भी कर सकते हैं। अगर रॉकेट हॉरिजॉन्टली जा रहा है वी रिलेटेड डीएम बाई डीटी, वर्टिकली जा रहा है तो एब्सिस फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, एमजी काउंटर करना पड़ेगा, वी रिलेटेड डीएम बाई डीटी माइनस एमजी। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन का निकाला है, एक्सप्रेशन क्या है, वी रिलेटेड डीएम बाई डीटी एम से डिवाइड कर दिया, देखो कट गया। फिर हाँ, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, v नॉट प्लस वी रिलेटेड, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपको कराता हूँ, क्वेश्चन दिया है इनिशियल मास ऑफ रॉकेट दिया है m नॉट इज इक्वल टू 6000 kg, और आपको दिया है गैस इलेक्ट्रॉन का रेट dm by dt दिया है 16 kg पर सेकेंड, vr दिया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और आपको बोला है व्हाट इज द एक्शन ऑफ रॉकेट मिनट आफ्टर द ब्लास्ट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट ऑफ ब्लास्ट, ये हमसे पूछा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर 1 मिनट ऑफ द ब्लास्ट पूछा गया है। तो देखो ध्यान से, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, वी रिलेटेड डीएम बाई डी टी अपॉन एम,
माइनस जी। अब आप ध्यान दें, हमें एम निकालना है। एम क्या है? रॉकेट का एक्शन कितनी देर बाद पूछा है? एक मिनट के बाद। आज तक लास्ट, लास्ट के बाद एक मिनट के बाद, तो एक मिनट के बाद उसका मास क्या होगा? नया मास तो हो जाएगा एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वन मिनट, और डी एम बाई डी टी हमको दिया हुआ है छीन लीजिए, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये आ गए यहाँ पे टी। टी हमारा वन मिनट होगा, तो वन मिनट क्या होता है? 60 सेकंड। तो यहाँ से एम क्या आ जाएगा? एम नॉट मतलब 6000 माइनस डी एम बाई डी टी हमको कितना दिया है? डी एम बाई डी टी 16 दिया है, 16 इंटू 6, तो ये कितना आएगा? 6000 माइनस 960, और 6000 में 960 जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 5140 आएगा, 5140 kg आएगा। इसका मतलब एक सेकंड के ब्लास्ट के बाद उसका रॉकेट का मास अब 6000 नहीं रहा, 5040 kg हो गया। तो अब एक्सप्रेशन हमारे पास नया क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू क्या लिखा था? वी रिलेटिव। वी रिलेटिव कितना है? वी रिलेटिव हमको दिया 11 किलोमीटर पर सेकंड, तो 11 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखेंगे वी रिलेटिव हमारा 11 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको हम 11000 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई एम। एम अब 6000 नहीं रखना है, कितना रखना है? 5040 इंटू डी एम बाई डी टी है 16 माइनस, अपने पास डी एम बाई डी टी भी आ गया और जी की वैल्यू है। अगर यहाँ पर बोला, शायद क्वेश्चन में हमको बोला भी गया है कि नेगलेक्ट ग्रेविटी, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमको नेगलेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर देना है तो जी शून्य हो जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। देख सकते हैं हमने यहाँ क्या किया है, क्वेश्चन से पूछा गया था एक रॉकेट जिसका न्यूटन मास 6000 केजी है, और उससे जो मास भी हो रहा है, मास उसका रिड्यूस हो रहा है 16 केजी पर सेकंड से रिड्यूस हो रहा है, उससे निकाला जाए एग्जॉस्ट मतलब गैस की रिलेटिव स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ब्लास्ट होने के बाद मतलब स्टार्टिंग टाइम से जब ब्लास्ट हुआ तो एक सेकंड के बाद, सॉरी एक मिनट के बाद उसका एक्शन क्या होगा? तो एक मिनट की हम बात करेंगे तो हमें मालूम है टी सेकंड के बाद, टी टाइम के बाद एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है वी रिलेटिव बाय एम इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी। लेकिन हमारा डी एम बाई डी टी में ये जो एम यहाँ पर ये एम लिखा है, ये एम 6000 नहीं रखेंगे, ये एक मिनट के बाद वाला मास, तो हमने सबसे पहले एक मिनट के बाद वाला मास निकाला, एक मिनट के बाद मास कितना होगा? 5140, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये वैल्यू उठा के रखी है, और डी एम बाई डी टी की, डी एम बाई डी टी की वैल्यू रखी है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में बदला है, माइनस ए जी, जी को जो रखा है नेगेटिव ग्रेविटी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थैंक यू।